आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाली चिक्की। उसके लिए मैंने ये गुड़ लिया है। दो तरह की चिक्की बनाऊंगी, एक ये मुरमुरों की बनाऊंगी मैं चिक्की, और दूसरी मैंने ये भुनी हुई मूंगफली ली है, इसकी चिक्की बनाऊंगी। दोनों ही मैं गुड़ में बनाऊंगी। चिक्की के लिए मैंने कढ़ाई रखी है गरम करने, जिसमें मैं गुड़ ले रही हूँ। मूंगफली वाली मैं चिक्की पहले बनाऊंगी। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया था। अच्छे से हमने मेल्ट करेंगे गुड़ को। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे अच्छे से पकाना है। ये भी बना नहीं है। गुड़ हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं फिर 1.5 चम्मच तेल डालूंगी। अभी हमें इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। अब इसमें हम पहले मूंगफली डाल रहे हैं। अच्छे से हमें मिक्स करना है गुड़ के साथ इसे। इसको अब बंद कर देंगे। स्लैब पे मैंने घी लगाया हुआ है इसके अच्छे से। अब इस पे मैं इसको निकालूंगी। इसे हम अच्छे से बेलेंगे। ये हमारी बन चिक्की है गुड़ वाली चिक्की। आप इसको जिस पर भी बेलें उसे अच्छी तरह ग्रीस करें। अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगी इस पर। मुरमुरों की चिक्की के लिए मैंने गुड़ मेल्ट करने रखा है। इसके लिए मैंने कढ़ाई भी थोड़ी बड़ी ली है। गुड़ को हमें बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, फिर पकाना है अच्छे से। गैस मैंने स्लो कर दिया है। स्लो गैस पर ही हमें गुड़ को पकाना है। अभी गुड़ ये पका नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पकने में से। गैस मेरा स्लो ही है। अभी हम चेक करते हैं हमारा गुड़ पका है या नहीं। पानी लेंगे एक कटोरी में, उसमें इस तरह से थोड़ा सा गुड़ का हम डाल के देखेंगे गुड़ को। ये गुड़ जैसे ट्रिक की आवाज़ कर रहा है, यानी इसका मतलब ये गुड़ हमारा पक चुका है। ममरे ऐड करेंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे और गुड़ में हम मिलाते जाएंगे। गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे। जितनी गुड़ में ज़रूरत होगी उतने मंडे हम डालेंगे। मैं थाल में बनाऊंगी। थाल को मैंने ग्रीस कर दिया है अच्छे से। ये थोड़ा मोटा ही बनता है, अच्छा लगता है। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। थोड़ा हाफ पानी का लेके आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके।
इसे हम कटोरी की सहायता से ऐसे सेट करेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है। आप इसे थाली में भी बना सकते हैं, इतना मोटा पतला आपको रखना है आप वैसे कर सकते हैं। ये अब हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो सब हमें इसी वक्त इसे निकालना है वरना ये ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर मुश्किल से निकलेगी। तैयार हो चुकी है हमारी मुरमुरे की चिक्की, इसे मैंने थोड़ा मोटा ही बनाया है।